first number first, AI 32,000 third question. Question number first. The function f of x expansion given 2x cube minus 9ax square plus 12a square into x plus 1. Where is there any positive? Attain its maximum and minimum at p and q respectively such that p square equals q. तो देन इक्वल क्या होगा ये अपने को बताना है. ओके ये है x इक्वल टू मिनिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है पी पे एंड मिनिमम वैल्यू दे रहा है क्यू पे एंड पी स्क्वायर इक्वल क्यू को एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अपने को बताना है ए की वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 3 एंड 4, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2. अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके अपने पास f of x दे रखा है, इसका डैश कैलकुलेट कर लेंगे. तो f डैश x अपने पास आएगा 6x स्क्वायर माइनस 9 18a इनटू x प्लस 12a स्क्वायर. ठीक ओके फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, तो हम सबसे पहले इसका एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया. ओके यहां से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 6 कॉमन आ रहा है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक ओके इसके फैक्टर करेंगे तो ये लिखा है 6 तो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2ax, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस a एंड x माइनस 2a, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 0. यानी कि x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x बराबर 1 और एक आएगी x बराबर 2. ओके तो अपने को ये x बराबर 1 एंड x बराबर 2 दो वैल्यू आ गई, जहां पे एक मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा. तो हम चेक कर लेंगे कि कहां पे मिनिमा मिलेगा कहां पे मैक्सिमा मिलेगा. ओके तो डबल डैश करेंगे, तो डबल डैश इक्वल टू f डबल डैश x इक्वल टू 12 x ओके डबल डैश 8 x बराबर डबल डैश कैलकुलेट कर रहे हैं आगे लिखते हैं डबल डैश f डबल डैश x 8 x बराबर a, ए पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 12a 3a यानी कि माइनस का 6a. ओके एंड गिवन इक्वेशंस में कि a इज एनी पॉजिटिव नंबर, a पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये नेगेटिव नंबर आएगा, यानी कि f डबल डैश a की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ये विल नेगेटिव है तो इसका मीनिंग हो गया कि ये x पे क्या देगा मैक्सिमा देगा. तो अगर ये नेगेटिव है तो 8x बराबर a पे अपने को मैक्सिमा मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी. ओके तो p जो है p क्वेश्चन में कह रहा है कि p जो मैक्सिमम वैल्यू इज ep, तो p की वैल्यू आ गई वो a के इक्वल आ गए. ओके नाउ मिनिमा, अब x बराबर 2 a की बात करते हैं, तो f डबल डैश 2 a की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12 a इंटू 2 a माइनस 18 a इक्वल टू 24 a माइनस 3 a, ये हो जाएगा 6 a. ठीक एंड a अपने पास कैसा नंबर पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा मतलब डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हो गया कि f of x 8 x बराबर 2 a पे क्या है मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है यानी कि q के बराबर, तो q इक्वल टू आ गया 2 a. ठीक एंड एक रिलेशन अपने पास गिवन है कि p इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू q, अपने को p इक्वल टू q. ओके तो p स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर इक्वल टू 2 a, तो a की वैल्यू आ गई 0, बट a इज द पॉजिटिव नंबर सो इट इज इट्स रिजेक्ट एंड a इक्वल्स टू 2. तो सेकेंड जो सोल्यूशन आएगा a की वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आ जाएगी, यहाँ लिख a इक्वल्स टू 2 0 रिजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, a इक्वल्स टू